वेलकम वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वापस आ चुके हैं माइनक्राफ्ट के उस वर्ल्ड में जिसे मैंने एक दो साल के लिए अबंडन छोड़ दिया था। ये मजा आ गया। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, हमने पहला एपिसोड में ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं किया था और आज हम कुछ अच्छे से प्रोग्रेस करने जा रहे हैं अपने वर्ल्ड ब्लॉक में। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो गाइस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक का, जो हमने एक दो साल से अधूरा ही छोड़ दिया था, बोला जाए तो सही है। सो वापस से आ चुके हैं और मैंने जैसे पिछले एपिसोड में आप सभी लोगों को बोला था कि मैं एक अपना मैंशन बनाऊंगा और उसके लिए मुझे बहुत सारे वुड्स चाहिए जो कि मैं अभी तक कलेक्ट नहीं कर पाया। तो उसके लिए हमें चाहिए वुड्स उगाने के लिए हमें चाहिए बोन मील। एंड बोन मील कैसे मिलेगा गाइस? स्केलेटन से। हम स्केलेटन से सीधा पंगा तो नहीं ले सकते क्योंकि हम मारे जाएंगे। सो इसलिए आज हमें एक एक्सपी फार्म बनाना पड़ेगा। सो लेट्स गो गाइस, हमारा आज का पहला टारगेट होगा एक्सपी फार्म बनाना। सो ओके गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, हमारे पास स्टोन की कमी नहीं होगी क्योंकि हमारे पास ये है लावा बकेट। सो हम स्टोन से भी अपना कोई भी बिल्ड बना सकते हैं। बट इस आई नो हमारे मैंशन के लिए वुड चाहिए, बट हमारे इस बिल्ड के लिए हमें ज़्यादा वुड नहीं चाहिए, वुड चाहिए ही नहीं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए स्टोन। सो मैंने कुछ ऑफलाइन ग्राइंड करके कुछ इतने सारे स्टोन कलेक्ट किए हैं। सो लेट्स गो गाइस, अभी सो जाते हैं फिर सुबह उठ के अपना काम करेंगे, मतलब एक्सपी फार्म का ये करेंगे। सो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग हो चुका है गाइस, लेट्स गो, शुरू करते हैं। पहले हमारा पहला काम ये होगा, ये देखो गाइस, मैंने पिछले बार जो यहाँ पे बार बार क्रीपर स्पॉन हो रहे थे फटे जा रहे थे, इसलिए से पानी से किया जैसे सारा सामान डिस्ट्रॉय ना हो जाए क्योंकि जगह कम है। सो लेट्स गो गाइस, पहले हमारा जितना भी स्टोन है वो सब कलेक्ट करते हैं और वो सब स्टोन को पहले हम लोग स्लैब में कन्वर्ट करेंगे। पहला पानी तो इधर आ और फिर हम लोग अपना एक्सपी फार्म बनाना शुरू करेंगे। सो लेट्स गो गाइस, जितना भी है अभी वो सब को मैं सॉर्ट आउट करता हूँ, ये सब कुछ शॉर्ट करके स्लैब बना के फिर आप लोगों से मिलता हूँ। सो ओके गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, स्लैब और मतलब स्टोन लेके मैं रेडी हो चुका हूँ। लेट्स गो, मैं सोच रहा हूँ किस तरफ बनाऊँ। ओके, इस तरफ चलो बनाते हैं गाइस, इस तरफ थोड़ा अच्छा भी रहेगा और ये भी रहेगा। पहले हम लोग को यहाँ पे कुछ आगे जाके स्लैब लगाना पड़ेगा। लेट्स गो, पहले थोड़ा मोड़ा स्लैब लगा के आगे बढ़ते हैं और फिर, अरे यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे भी तो ब्रिज कर सकता हूँ, मैं भी कैसे भूल जाता हूँ। हम पीई वालों का यही स्वैग है, हम ऐसे भी ब्रिजिंग कर सकते हैं, सॉरी। ओके लेट्स गो गाइस, इतना लंबा चलेगा। अब यहाँ से हम लोग 7 ब्लॉक्स ऊपर चले जाते हैं। सो ओके गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक 5x5 का एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, वो भी स्लैब से, कुछ इस तरीके से। 1, 2, 3, 4 and 5। 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 5 Let's go। हो गया, सर ये तो 4 था। ओह शिट, मैं तो एक चीज़ करना ही भूल गया, यहाँ पे मेरे को स्टेयर लगाना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ से गिरे तो मारना पक्का है। सो उसके लिए हमें स्टेयर्स लगाना ही पड़ेगा। सो ओके गाइस, मैंने रेडी कर लिया है और मैंने हॉपर्स के लिए कुछ आयरन इंगट लगा दिए हैं और थोड़े आयरन लगा देता हूँ जैसे कि हम अपना हॉपर्स अच्छे से बना लें। ये पूरे ही पूरे आयरन मुझे यूज़ करना पड़ेगा यार। ओके, ये आयरन मैंने लगा दिए हैं, लेट्स गो, जल्दी से जल्दी चलते हैं ऊपर। एंड मैं रिस्क ले रहा हूँ। ओके, ऊपर जल्दी से जल्दी चलते हैं। एंड तू लग जा भाई यहाँ, लेट्स गो। ओके, अब यहाँ से अपना सामान बनाना शुरू करते हैं। सो लेट्स गो, मैं चेस्ट भी लेके आ गया हूँ गाइस। पहले यहाँ पे मेरे को क्राउच दबा के P
पीछे जगह नहीं है, यहाँ पे लगाना पड़ेगा आई थिंक। ओके तो मेरे को ये जगह भी बढ़ाना पड़ेगा, मैंने जैसे कि अंदाज़ा लगा लिया था। सो ओके गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं ये हो गया। अब हम लोग उनको कुछ यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे स्लैब लगेंगे जो कि वहाँ अभी तक हमारा रेडी नहीं हुआ है, उसको यहाँ पे लगाते हैं। फिर यहाँ पे अपना कुछ स्लैब लगा लेते हैं यहाँ पे, और फिर अब है एक्शन टाइम। लेट्स गो गाइस, अभी हम लोग को सीधे 22 ब्लॉक्स ऊपर जाना पड़ेगा। अरे साइड में लगता क्यों नहीं है यार। ओके ये हो गया, लेट्स गो। सो ओके गाइस, कुछ इस तरीके से मेरे को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ इस तरीके से 122 ब्लॉक्स ऊपर जाना है। ये चारों को ऐसे ही कवर करना है, और फिर ये मॉब फार्म हम मैं आप लोगों को ऊपर से दिखाऊंगा। सो लेट्स गो गाइस, शुरू करता हूँ मैं। ये सब जल्दी से जल्दी चारों तरफ का कवर करके बना लेता हूँ, और फिर आप लोग उनसे मिलता हूँ। 20, 21, 22, 22, अरे लग जा, 22। ओके गाइस, सो कुछ इस तरीके से हम लोग को वो देखो हमारा छोटा सा आइलैंड कैसा दिख रहा है। वो आगे जाके उसको भी एक्सपेंड करेंगे। सो ओके गाइस, कुछ इस तरीके से ये हो चुका है। अब हम लोग उनको कुछ इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चारों तरफ ऐसे ही ब्लॉक, 8 8 ब्लॉक हम लोग को दूर जाना है, और इसको कुछ इस तरीके से कवर अप कर देना है। कुछ इस तरीके से 8 8 ब्लॉक हम लोग को जाना पड़ेगा चारों तरफ से। सो ओके गाइस, मैं चारों तरफ 8 8 ब्लॉक बढ़ाता हूँ, ये पूरे एरिया को चारों तरफ से पूरा फिलअप करता हूँ, और फिर आप लोग उनसे मिलता हूँ। सो ओके गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से चारों तरफ हम लोग को बढ़ा लेना है, और उसके बाद ओ शिट, मेरा जो डर था वही हुआ गाइस, हमारे पास स्टोन खत्म हो गए, ये। अरे यार क्या करूं यार, मेरे को फिर से अभी जाना पड़ेगा स्टोन के लिए, शिट यार। और ये देखो गाइस, मैं नीचे से थोड़ा इसको बड़ा करके और चारों तरफ कवर दे दिया हूँ, जिससे कि हम लोग ना गिरे, वरना मैं गिर के मर जाने वाला आदमी हूँ। ये बेड लेके चलते हैं, पहले पता नहीं कब ज़ॉम्बी कब कुछ स्पॉन हो गया, कुछ कोई भरोसा नहीं है हमसे। ओके लेट्स गो, उतर गए, लेट्स गो, अब चलते हैं। आई थिंक रात होने वाला है, तो लेट्स गो, जल्दी से जल्दी बेड डालते हैं और सो जाते हैं, इससे पहले कि कोई मॉब स्पॉन होए। अरे रात हो गई है ना, सो जा। अरे यार सो जाना यार, क्या तेरे लिए रात अभी नहीं हुआ, हो गया चलो लेट्स गो गाइस, अभी चलते हैं अगली शोवा। और ओके गुड मॉर्निंग हो चुका है गाइस, लेट्स गो, अभी चलते हैं। पहले हम लोग को अपना सेटअप बिठाना पड़ेगा अनलिमिटेड कोबल स्टोन बनाने के लिए, और जो कि बनेगा अनलिमिटेड कोबल स्टोन जनरेटर से। ओके डन, एंड दिस, ओके। अब हम लोगों को पानी डालना है, जिससे कि पानी यहाँ आए, कुछ यहाँ पे पानी डालो। ओके एंड लेट्स गो, यहाँ पे लावा डालते हैं, और ये बन गया, लेट्स गो। अभी हम लोग, ओह भाई साहब, फिर से गिरते गिरते क्या रिस्क लेता रहता हूँ यार मैं। ओके अब यहाँ से हम लोग कुछ इस तरीके से, ओ अरे आजा मेरे पास तो। ओके आ रहा है, लेट्स गो, कुछ इस तरीके से जल्दी से जल्दी ग्राइंड करना शुरू करते हैं। अरे उधर नहीं जाना है। सो ओके गाइस, मैं जल्दी से जल्दी ग्राइंड करता हूँ, और फिर ये सब करके आप लोगों से मिलता हूँ। सो
ओके गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, रात होने वाला है। मैंने कॉबलस्टोन जनरेटर से और जितना भी वुड था मेरे पास, जो कि मेरे को आगे कहीं जाके काम आएगा, इतना कॉबलस्टोन जनरेट कर लिया और कुछ ट्रैप डोर लगा लिए हैं जिससे कि हमें वापस से नीचे ना आना पड़े। सो लेट्स गो, जल्दी से जल्दी सोते हैं और फिर हम चलते हैं ऊपर बनाने। ओके, गुड मॉर्निंग हो चुका है गाइस। सो लेट्स गो, पहले एक काम करते हैं, यहाँ से पानी उठा लेते हैं दोनों में। ओह शिट, बारिश होने लगा। अब पता नहीं कौन कौन वहां पे स्पॉन हो गए। भाई साहब, अब मुश्किल होगा गाइस वहां बनाना। सो लेट्स गो, देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं बारिश के रुकने का, उसके बाद बनाते हैं। ओके गाइस, लेट्स गो। चलो, बारिश तो बंद हो गया, बट अब मुझे डर है कि ऊपर कोई स्पॉन ना हो गया। सो लेट्स गो, ऐसे ही चलते हैं। ओके गाइस, मैं ऊपर आ चुका हूँ। लेट्स गो। अच्छा हुआ यार, को 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 कोई स्पॉन नहीं हुआ। बाप रे, गिरते गिरते बच गया। ओके, लेट्स गो, कोई स्पॉन नहीं हुआ है। अब लेट्स गो, अपना काम शुरू करते हैं। इसको कुछ दो ब्लॉक हम लोग को ऊपर करना पड़ेगा। पहले तो ये गैप्स को भरो और फिर इसको हमें इस तरीके से कुछ ऊपर से चारों तरफ से पहले इसको भर लेना है। कुछ ऐसे हम लोग को ये इस तरीके से यहाँ पे भर लेते हैं। सो लेट्स गो, जल्दी से जल्दी भरते हैं इसको और मैं फिर आप लोगों से मिलता हूँ। सिर्फ 2 मिनट में गाइस, 2 मिनट में मैं आपसे वापस से मिलता हूँ। सो ओके गाइस, ये कुछ इस तरीके से पूरा हो चुका है। अब हम लोगों को इसको पूरा फिलअप करना है कुछ इस तरीके से, जिससे कि हमारा एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बन जाए और यहाँ पे हम लोग का मॉब स्पॉन होने का चांसेस बढ़ के आ जाए। यहीं पे ही बढ़ेगा, मतलब आएंगे मॉब्स। सो ये तो यहाँ मॉब्स आएंगे और हमें नीचे का प्लेस को भी अच्छे से लाइट अप कर देना होगा जिससे कि सारे मॉब्स यहीं पे आए। ओ हाँ, मॉब्स पर जगह बना देता हूँ मैं ना नीचे अच्छे से। पागल, लिटरली गाइस, ये इतना सारा कॉबल स्टोन बनाने में जो मेरा हालत हुआ है उस एक कॉबल स्टोन जनरेटर से मत पूछना। सो लेट्स गो, मैं जल्दी से जल्दी इसको फिलअप करता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। सो ओके गाइस, कुछ इस तरीके से हम लोग को पूरा प्लेटफॉर्म बना के चारों तरफ से ऐसे दीवार घेर देना है। और अभी मैं यहाँ पे पानी का इन्फिनाइट सोर्स एक बना देना चाहता हूँ जिससे कि हम लोग चारों तरफ पानी डाल सकें, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको ये हो गया एंड ये, सॉरी छोड़ो ना, लगा दिया उसको बाद में ये कर देंगे। ओके, ये हो गया। चलो, ये पानी का ये एक हो गया और ये हो गया, ये अपना इन्फिनाइट सोर्स बन गया। लेट्स गो, चारों तरफ पहले पानी डाल देते हैं जिससे कि, अरे यार ये बारिश, अब संभाल के थोड़ा ये करना पड़ेगा। सो ओके गाइस, बारिश तो बंद हो चुकी है। लेट्स गो, अभी चारों तरफ मैं पानी, अरे सॉरी, पानी लगा देता हूँ और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रैप डोर बिछा देंगे जिससे कि मतलब आगे जाके हम लोग को, क्योंकि ये सीधा अगर हम लोग ऊपर से कवर कर लेंगे तो यहाँ पे मॉब स्पॉन होगा ना शुरू हो जाएंगे, और अगर मॉब स्पॉन हो गए तो हमारी खैर नहीं। तो उसके लिए पहले से हम लोग को ये पुश, अरे यार अच्छे से जंप नहीं लगा यार। ओके, ये हो गया। जल्दी से जल्दी पानी भरते हैं और फिर पहले से मैं अच्छे से जंप लगा लेता हूँ। भाई हमेशा गिरता रहता हूँ यहीं पे। ओके, यहाँ पे और एक बाल्टी चाहिए। हो गया। ओके, अरे अरे यार, एक जगह पे मैं दो दो डाल दिया यार, मैं अभी क्या भकुआ हूँ। ओके, और एक है, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। अच्छा, और एक लेके आ गया था मैं। हो गया, लेट्स गो। अब और दो पकेट ले आते हैं, उसके बाद हमारा काम यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। आगे रहे, लेट्स गो, ये हो गया गाइस। अभी हम लोग को एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रैप डोर लगा देते हैं क्योंकि इसको बंद करने के बाद और हमारा यहाँ आने का कोई चांस नहीं है। सो लेट्स गो, इसको लगा के पूरा कंप्लीट कर देते हैं जिससे कि हम लोग को और वापस अंदर ना आना पड़े, क्योंकि इसको बंद करते ही मॉब आना शुरू हो जाएंगे। ओके गाइस, लेट्स गो। मैं वापस नीचे गया था थोड़ी देर के लिए क्योंकि मेरे पास ट्रैप डोर ख़त्म हो गए थे। सो लेट्स गो, ये ट्रैप डोर मैं ले आया हूँ, 21 ट्रैप डोर्स बहुत मुश्किल से पेड़ काट काट के मिले हैं। लेट्स गो, अब वेस्ट नहीं करना यार, अब जल्दी से जल्दी पहले ये सबको
लगाते हैं। सबसे पहला तो ये क्रीपर बार बार आके ये बारिश में मेरा सारा काम ख़राब कर दिया, आधा स्टोन मेरा उधर बर्बाद हो गया गाइस। अब फिर ये बार बार इधर उधर लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं। सो के गाइस कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इसको चारों तरफ खोल लिया। अब इस पानी को कलेक्ट करते हैं एंड फिर इसको हटाते हैं और ऊपर वाले को कवर करना शुरू करते हैं, जिससे कि यहाँ पे मॉब स्पॉन होना शुरू हो जाएंगे। पहले एक बार चारों तरफ देख लेता हूँ सब कुछ ठीक है, उसके बाद ऊपर का कवरअप करना शुरू करते हैं। ओके चारों तरफ चलो ठीक है। अब पहले हम लोग ऊपर चले जाते हैं आराम से, जिससे कि ये हो गया। अब लेट्स गो, ये पहले इसको कुछ ओ बच गया। यहाँ पे एक स्लैब लगाते हैं, यहाँ पे स्टोन, लेट्स गो। ये स्टोन को चारों तरफ मैं इस कुछ इस तरीके से लगाते चलता हूँ और फिर इसको अच्छे से कवर अप करके आप लोगों से मिलता हूँ। गाइज लेट्स गो, ये हम लोग अभी ख़त्म करने वाले हैं जस्ट इन केस यहाँ पे कोई मॉब ऊपर में स्पॉन ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्लैब लगा रहा हूँ चारों तरफ। सो ये ख़त्म ही होने वाला है, एंड दिस एंड दिस एंड बूम, लेट्स गो। ये हो गया गाइज, अब देखते हैं, बारिश भी शुरू हो गया बहुत ज़ोरदार। सो लेट्स गो। ओह शिट, अरे यार ये नीचे भी क्रीपर स्पॉन होना ज़रूरी था, नीचे और कोई मॉब स्पॉन नहीं हुए ना। और मैं इसको यहाँ यहाँ पे डाल लेता हूँ। तो लेट्स गो, देखते हैं यहाँ पे आई थिंक हो जाएगा। या ओके गाइस हो जाएगा यहाँ पे। सो ओके गाइस लेट्स गो, ये हो चुका है। अब हम सीधे चलते हैं नीचे और वो भी बहुत आराम से, वरना मारे जाएंगे। ओ ओ ओ, पहले मेरे को यहाँ से अरे चल ले पानी ले ले। अरे ओके पानी ले लिया, अब सीधे चलो आराम से नीचे, जैसे कि कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, आराम से। ओके हम लोग आ गए, लेट्स गो भाई साहब। यह लेट्स गो गाइस, आ गए हम लोग। अब पहले इसको तोड़ते हैं, अब देखते हैं कोई आया है कि नहीं मॉब। ओके ओके गाइस लेट्स वेट, देखते हैं कब तक क्या मॉब वॉब आते हैं एंड फिर मैं आप लोगों को दिखा दूँगा ये फार्म कैसे वर्क करता है। आई थिंक रात हो गया है। ओ ये देखो गाइस गिरना भी शुरू हो गया ये। ओ भाई, अरे अरे यार मैं इसको थोड़ा ज़्यादा ही, अच्छा कोई ना मैं इसको ठीक कर दूंगा। लेट्स गो, मॉब भी आना शुरू हो गया गाइस, ये देख सकते हो आप लोग। आई थिंक ये एक एक्स का मारा है, यस लेट्स गो। सो ओके गाइज मैं एक काम करता हूँ, नीचे में मैंने कुछ हॉपर स्मेल्ट करने के लिए लगाए थे, मतलब सॉरी हॉपर बोल रहा हूँ, आयरन स्मेल्ट करने के लिए लगाए थे, वो आयरन मैं लेके आता हूँ जल्दी से जल्दी। और फिर पहले यहाँ पे एक बार शुरू लेता हूँ। हाँ मेरे को पता था रात हो गया है, लेट्स गो। सो ओके गाइज मैंने सब कुछ आराम से सॉर्ट आउट कर लिया, लेट्स गो। ये देखो कुछ सामान चलो वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन अभी हम लोग को अनलिमिटेड बोन मिलेगा, जिससे कि हम लोग वो सब ये करके हमारा एक मैंशन बना सकते हैं। और हम अब शुरू करने जा रहे हैं ये लोग को मारने का प्रोसेस। ये देखो गाइज, ये देखो लूट गाइज, कुछ ही देरी में लूट देख रहे हो तुम, लेट्स गो, मज़ा आ गया। सो ओके गाइस आज तो बहुत मज़ा आया, बट मैं ट्राई करूँगा अगले एपिसोड में कैसे भी करके मैं एक अपना मैंशन बना लूँ अच्छा वाला, जिससे कि हम लोग अपने वन ब्लॉक वर्ल्ड में और भी इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। सो ओके गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे होगे वीडियो को, अगर इंजॉय कर रहे होगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आप पीछे देख सकते हो हमारा एफिशिएंटली वर्किंग फार्म, और हम आगे जाके इसको बहुत ही इम्प्रूवमेंट कराने वाले हैं। सो लेट्स गो गाइज आज के लिए बस इतना ही, होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। एंड अगर आप लोगों ने डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। ओके गाइज आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।